आज हम आपका इंट्रोडक्शन नावा शहर के ऐसे शख्स से करवाना चाह रहे हैं जिसके कारण ही आपके नावा शहर की जनता को शिक्षा का महत्व समझाना संभव हो पाया है। शख्सियत है श्रीमान हरिओम प्रसाद जी शर्मा, डायरेक्टर शारदा बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा शहर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी सर कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ ही कीमती समय हमारे लिए निकाला। सर्वप्रथम सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा करने का विचार किस प्रकार और कब आया? थैंक यू, आपने जो आज इंटरव्यू के लिए यह प्रोग्राम रखा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरी शिक्षा पूरी हुई तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि हमें अब कोई ना कोई रोज़गार के रूप में कोई कार्य तो करना है। मेरे माता पिता के संस्कार, परिवार का संस्कार रहा शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का, उन्होंने मेरे को एक मार्गदर्शन प्रदान किया और साथ में हमारे संघ के प्रचारक जेटू सिंह जी, उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया कि हमें शिक्षा का क्षेत्र चुनना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। वो शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो रोज़गार परक हो और उनके साथ साथ राष्ट्र के प्रति बच्चों में प्रेम पैदा हो, ऐसी शिक्षा बच्चों को देने का विचार मेरे को मेरे माता पिता और जेटू सिंह जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। थैंक यू सर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगी कि आपके विद्यालय से पढ़कर निकले हुए विद्यार्थी नावा शहर में उच्च पदों पर स्थापित हैं जबकि नावा सिटी में कोई भी कोचिंग संस्थान स्थापित नहीं है, ये कैसे संभव हो पाया सर, प्लीज बताइए। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, जब हमारा उद्देश्य जब पवित्र है तो निश्चित रूप से काम में सफलता मिलती ही है। हमने रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र के प्रति शिक्षा देने का प्रारंभ से ही निर्णय करके इस कार्य करना प्रारंभ किया। तो हमारे जो प्रारंभ से जो शिक्षकों की जो टीम रही और हम सब ने मिलकर के उन बच्चों को जो शिक्षा दी, उन शिक्षकों में जो उन बच्चों में जो हमने एक भाव पैदा किया कि हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो उसी दृष्टि से आज हमारे क्षेत्र विद्यालय से निकले हुए बहुत सारे छात्र गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छी नौकरियों में पद पर आसीन हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सीए हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अलावा भी अपने खुद के रोज़गार करने वाले छात्रों की संख्या भी हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र हैं जो अपना खुद का और बहुत सक्सेसफुली रोज़गार कर रहे हैं। वो आज बहुत अच्छा रोज़गार करके सैकड़ों हजारों लोगों को वो अपना रोजगार के साथ साथ उनको भी नौकरी दे रहे हैं, उनका भी रोजगार कर दे रहे हैं, ये हमारी विशेष बात है। और इसके अलावा मुकेश नेहरा जिसने अपने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ अपना नाम किया है, देश का नाम किया है, वो भी हमारे विद्यालय से निकला हुआ छात्र है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके प्रयासों से आपने बताया कि सर आपके प्रयासों से ही ये सब संभव हो पाया है, जबकि सर ये कैसे संभव हो पाया जबकि आपके पास तो शिक्षा से संबंधित कुछ सीमित ही संसाधन थे, जी सर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संसाधन हमारे पास में निश्चित रूप से सीमित थे, लेकिन हमारे मन में काम करने का जोश और जज्बा वो असीमित था। हमारी पूरी टीम ने पूरे जोश और जज्बे के साथ में इस कार्य को अंजाम दिया। हम बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से ही उनमें ऐसी अच्छी नींव डाल देते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा से जोड़ देते हैं कि वो बच्चे का बेस जिसको अपन बोलते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो बच्चा आगे चल करके आने वाली कठिनाइयों को खुद ही समाधान कर लेता है और वो परम वैभव तक पहुँचता है। जी सर धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सर ये देखा गया है कि पिछले 25 वर्षों से आपके यहाँ का बोर्ड रिजल्ट नावा के स्कूलों से सर्वोत्तम रहा है, सर आप ये अग्रणी क्यों रहे, सर ये कैसे हो पाया? हम यहाँ अपने अन्य क्लासेस के साथ साथ बोर्ड क्लासेस पर भी विशेष ध्यान देते हैं। बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए विशेष योजनाकार के हमारे तरीके हैं, उनको हम काम में लेकर के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम तैयार करते हैं। उनको इतने टेस्ट ले लेते हैं कि वो बच्चे फिर परीक्षा से घबराते नहीं हैं और वो वहाँ बिना घबराए अपना एग्जाम देते हैं और वो अपना सक्सेस हासिल करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया। सर अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि वर्तमान में आप अपने विद्यालय को इंग्लिश मीडियम संचालित कर रहे हैं और मैंने देखा है कि आपने अपने विद्यालय में सर बहुत कुछ मॉडिफाई किया है, ये सब आपने बच्चों को आकर्षित करने के लिए किया या सर और कुछ सर बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय
जब प्रारंभ हुआ तो हमारा विद्यालय केवल सेकंड क्लास तक प्रारंभ हुआ और उस समय हिंदी मीडियम हमारा स्कूल था। हमारे स्कूल नावा में पहला स्कूल है जो समय समय पर नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करता आया है। नावा में सबसे पहले यदि कंप्यूटर आया तो SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। हमारे जो CCTV कैमराज हैं नावा में सबसे पहले हमने लगाए हैं। इसके अलावा भी जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है हमने उसको पहले अडॉप्ट किया है नावा शहर में। इंग्लिश मीडियम में नावा शहर का पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता है उसके अनुसार हम अपने आप टेक्नोलॉजी को हम चेंज करते हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले सभी पेरेंट्स या देखने वाले सभी मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको स्कूल में आने के बाद ही अच्छे से पता चल पाएगी कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। केवल ये जो आप डेकोरम जो देखते हैं, डेकोरम ही सब कुछ नहीं है। डेकोरम के साथ साथ जब तक बच्चे को एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलेगी तब तक यह डेकोरम कार्य नहीं करेगा। तो हम बहुत अच्छा डेकोरम भी देते हैं, बच्चों को एक एटमॉस्फेयर ऐसा देते हैं कि बच्चे को होम एटमॉस्फेयर मिलता है ताकि बच्चा यहाँ आराम से जब आता है तो बच्चा आराम से खेलता है और वापस घर जाने से मना करता है पेरेंट्स के साथ में कि वो यहीं रहना चाहता है। ये हमारे स्कूल की खास बात है। और उसके साथ साथ एजुकेशन में ऐसा हम खास करते हैं कि बच्चा यहाँ पर पढ़ने में विशेष, उसके हैंडराइटिंग के ऊपर हम विशेष जोर देते हैं, उसको याद करने पर विशेष जोर देते हैं और भी उसके सर्वांगीण विकास के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ करवाते हैं जो कि शायद मेरे हिसाब से दूसरे स्कूलों में होना मुश्किल है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब की जानकारी के लिए जो भी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं वो यहाँ आए तो उनको हम बहुत कुछ यहाँ पर स्पेशल दिखा पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और सर आपने बहुत बढ़िया बताया अपने स्कूल के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने SBN स्कूल के स्कूल में विजिट किया है और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। आप भी यहाँ स्कूल में आके विजिट करें, तभी आपको स्कूल की विशेषताओं के बारे में पता चलेगा और स्कूल की पूरी जानकारी मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच।